जिसमें जोश वलवला जज्बे से इस प्रोग्राम में शामिल है, जहां पे कौम परस्तों का हुकूमत आप लोगों का सामने है कि करप्शन और अक्रवा परवरी और ज्यादतियात सब के लूटमार के सिलसिले शुरू है। यही जमीयत उलमा इस्लाम के प्रोग्राम पहले से नुमाया है और सब पर असरअंदाज हो चुके हैं। जिस पॉलिसी के तहत जमीयत उलमा इस्लाम को पीछे रखा गया और उनके प्रोग्रामों को इन्होंने नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम हो चुका है। गवर्नमेंट उस बात पे परेशान है कि मैंने जमीयत से इख्तदार छीन कर इनको दिया, कौम परस्तों को दिया। इन्होंने तो मुल्क का भी सौदा करने की कोशिश किया और मुल्क के साथ गद्दारी करने का भी कोशिश किया। इसका वाज़ह मिसाल पश्तूनख्वा का नेशनल असेंबली में खान साहब ने केपीके के हवाले से और यहाँ पाकिस्तान के हवाले से मुल्क की मुखालफत में जो बातें की, उससे यकीनन मुल्क को काफी तशवीश पाई जाती है। इसी तरह डॉक्टर मालिक साहब जिस तरह इन्होंने प्रोग्राम चलाई और वो भी मुल्क दुश्मन अनासरों की तरह मुल्क के और इस खत्ते में मुल्क को कमजोर करने की कोशिश है। ये वाहिद जमात जमीयत उलमा इस्लाम है।